बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहे। उनका सबसे चर्चित अफेयर हेमा मालिनी के साथ, जिनसे 1979 में उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। हेमा से शादी करने के दौरान धर्मेंद्र 4 बच्चों के पिता थे। इस शादी से उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों को काफी तगड़ा झटका लगा था। एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने अपने पति धर्मेंद्र की दूसरी शादी पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, धर्म जी मेरी जिंदगी का पहला प्यार है और मेरी जिंदगी में आखिरी मर्द हैं। वो मेरे बच्चों के पिता हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। जो होना था वो हो गया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें दोष दूँ या अपनी किस्मत को, लेकिन एक बात तो तय है, वो भले ही मुझसे बहुत दूर चले जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जानती हूँ कि वो मेरे पास मौजूद होंगे। मैंने उन पर अपना भरोसा नहीं खोया है। आखिरकार वो मेरे बच्चों के पिता जो ठहरे। प्रकाश ने इंटरव्यू में धर्मेंद्र का पक्ष लेते हुए कहा, सिर्फ धर्म जी ही क्यों, उनकी जगह कोई और भी मर्द होता तो वो मेरी जगह हेमा को पसंद करता। मेरे पति को वुमेनाइजर कहने की किसी को ज़रूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के सभी मेल एक्टर्स यही कर रहे हैं। सभी हीरो अफेयर में हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं।